लुधियाना में सांसद रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उनके द्वारा अंगहीनों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीनों को डोनेट किया गया। इस दौरान जब उनसे टोल प्लाजा पर जबरन वसूली के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि आने वाले 8 मार्च को टोल प्लाजा बंद करवा दिए जाएंगे। देखो, कोशिश है, क्योंकि ये स्पेशली डिसेबल्ड जो लोग हैं, जिनको कहीं जाने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत है, अगर हम उनको ट्राईसाइकिल दे देंगे जिससे वो अपनी मनमर्जी से बाहर निकल सकते हैं, मनमर्जी से जा सकते हैं, अगर किसी को व्हीलचेयर है वो दे देंगे तो वो अपने उस पे बैठ सकता है, कहीं घर में ही दूसरे कमरे तक जा सकता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, क्लचेज हैं, फौड़ियाँ हैं, दे देंगे। कान की मशीन है जिसको बुजुर्ग को सुनता नहीं, कि कान की मशीन अगर उसके लग जाएगी, यही छोटे छोटे काम है जब, लेकिन इनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब 8 तारीख को हम वो दोबारा टोल जो है बंद करने की तारीख है, 8 तारीख, 8 तारीख को हम दोबारा वो टोल जो है वहाँ पे टोल, हम वो हमने बंद नहीं करनी रोड, हमने सिर्फ टोल बंद करवाना है, जो पैसे लेने हैं वो बिल्कुल 8 तारीख को हमने फैसला कर लिया, 8 तारीख को वो टोल बंद करेंगे। अज साडे मानयोग मैंबर पार्लीमेंट सर रणदीप सिंह बिट्टू जी, जिन्होंने पिछले समय एक कैंप लाया सीगा, कैंप के दरम्यान जिहड़ा लोगों के सहज लए सी, जिहड़े अंगहीन लोग ने जां तुर फिर नहीं सकते जां घूम नहीं सकते, उन्हां लई व्हीलचेयर, ट्राईसाइकल, कन्नां दीआं मशीनां, वह जिहड़ियां असीं देण जा रहे हैं, और लोगों नूं जिहड़ा तां कि राहत मिले, और जिहड़े नहीं तुर फिर सकते वो कितना ना कितें अपना जा सकन, उन्हां नूं सहारा बने। और MP साहब का असीं धन्नवाद करते हैं, जिन्होंने बहुत वड्डा उपराला किया। बिल्कुल ऐसे काम जिहड़े पिछे भी असीं करते रहे हैं, और MP साहब करते रहे हैं, और हुण भी अगे भी जिहड़े जारी रहणगे, और साडे मानयोग MP साहब लगातार ये काम करते रहेंगे।